बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त की जो आने वाली फिल्में हैं उनका जो फिल्मी ग्राफ है काफी बड़ा है। जो यहाँ काफी बड़ी फिल्में हैं संजय दत्त के पास और काफी सारी फिल्म्स जो हैं उनकी आने वाली हैं। जो यहाँ पर चाहे वो बात हो उनकी आने वाली मूवी प्रस्थानम की, KGF 2 की, शमशेरा की, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की या फिर पानीपत की बात करें, संजय दत्त की बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं। यानी बैक टू बैक संजय दत्त अपने फैंस के लिए फिल्में लेकर हाजिर होते रहेंगे सिल्वर स्क्रीन पर। इसके अलावा अगर हम बात करें संजय दत्त के फैंस के लिए, एक और खुशखबरी जो है रिसेंटली हमारे पास आई है। जी हाँ, संजय दत्त की 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। जी हाँ, इस फिल्म में हमें संजय दत्त के साथ साथ अरशद वारसी भी नजर आए थे। इसके बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानी लगे रहो मुन्ना भाई भी हमें देखने को मिला। तब से ऑडियंस को इंतजार था कि थर्ड पार्ट कब आए, बिकॉज इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है विधु विनोद चोपड़ा, उन्होंने ये बताया था कि 2017 से फिल्म पर काम करना शुरू किया जाएगा, लेकिन संजय दत्त के केस के कारण इस फिल्म को डिले किया गया और 2018 में विधु विनोद चोपड़ा ने संजू मूवी बनाई। इसके अलावा अब हम इस साल की बात करें तो अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है उनकी आने वाली फिल्म यानी मुन्ना भाई MBBS के तीसरे पार्ट पर। वेल, इस तीसरे पार्ट का नाम द एंड ऑफ मुन्ना भाई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें यही पता है कि इसका तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। नाम फिलहाल ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें संजय दत्त की इस पर बयान की, तो संजय दत्त से जब पूछा गया था इसके रिलेटेड सवाल, तो उन्होंने कहा था कि इसकी शूटिंग कब शुरू होगी, कब रिलीज होगी। इसका जो असली जवाब है, सही जवाब है, राजकुमार हिरानी ही दे सकते हैं, बिकॉज राजकुमार हिरानी ने पहला पार्ट डायरेक्ट किया था, इस फिल्म को भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं प्रोड्यूसर की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि विनोद चोपड़ा जो है इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं अगर हम संजय दत्त की बात करें तो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म KGF 2 के बारे में भी बात की है। जी हाँ, KGF 2 में वो नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में, जिसमें हमें ऋतिक रोशन नजर आए थे उनके साथ। वहीं अगर हम अग्निपथ फिल्म की बात करें तो उस फिल्म में भी उन्होंने कांचा चीना का कैरेक्टर निभाया था, जो कि एक नेगेटिव शेड कैरेक्टर था। इस बार संजय दत्त का कहना है कि वो कांचा चीना से भी खतरनाक खलनायक के तौर पर KGF 2 में नजर आने वाले हैं। वहीं अगर हम फिल्म को लेकर उनकी प्रिपरेशंस की बात करें तो वो जल्द ही जिम ज्वाइन करेंगे और जिम में लगातार पसीने बहाकर वो हट्टे कट्टे किरदार में नजर आएंगे, ताकि वो KGF चैप्टर 2 के जो हीरो हैं, जो यश है, उनका सामना कर सके और उनके साथ जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ सके ऑन स्क्रीन। अब देखना ये होगा कि संजय दत्त की KGF 2 में कैसी परफॉर्मेंस रहती है और साथ ही साथ मुन्ना भाई का जो थर्ड पार्ट है इसकी शूटिंग कब शुरू होती है। लेकिन संजय दत्त ने अपने इस इंटरव्यू में, अपने इस मीडिया इंटरेक्शन ये जानकारी जरूर दी थी कि अभी फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है।